सो है गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम और गाइज अभी हम यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहे थे। गाइज एक वीडियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी पब्लिश मोड पे लगा दिए शेड्यूल पे, वो 8 बजे हमारा व्लॉग आ जाएगा। आप सभी लोग देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। और ये कुछ यहाँ पे सॉन्ग सुन रहे थे। और गाइज चलिए ऊपर से नज़ारा आप सभी को दिखाते चारों साइड का कि हमारे यहाँ किस तरीके से दिखता है। तो वीडियो में लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि इसमें एडिटिंग एडवांस लेवल वाला होने वाला है। गाइज अभी हम सीढ़ियों की मदद से आ चुके हैं ऊपर, और गाइज धूप भी निकल चुका है प्यारे से। और गाइज इधर का आप सीन देख सकते हो, गाइज गांव में ही सिर्फ आप सभी को इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इधर कुछ हमारे उधर ऑर्गेनिक खेती लगा हुआ है। और गाइज आप देख सकते हो इधर इस ड्राइवर को हम माउंट करते हैं यहाँ पे इस पे। उसके बाद गाइज आप सभी को एक एडिटिंग दिखाता हूँ बहुत ही एडवांस तरीके से। तो जी हाँ गाइज, फिर से आप सभी के साथ मैं आ गया हूँ यहाँ पे। गाइज आप जैसे कि देख सकते हो, अरे और ये तो मेरा भाई, ये तो मेरा हम शकल है। तो जी हाँ गाइज मैं भी आ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ। तो भाई आपसे मैं बहुत अलग हूँ, देख सकते हो मेरे घाड़ी उड़ी कहाँ हम शकल की तो बात हो रहा है। बस मैं तो आपसे बिल्कुल लग रहा है कि मैं सेम हूँ। तो फिर मिलते हैं, प्लीज यार बता देना इस वीडियो को। तो सॉरी, आप देख सकते हो कुछ बस सही सब हो रहा है इधर का नज़ारा, आप चारों तरफ देख ही सकते हो। तो हम दिखाते हैं कुछ और आप सभी को, लेकिन इस वीडियो के दूसरे क्लिप में, तो देखें जरूर। तो मैं थोड़ा सा लेंस को यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। और गाइज जो अभी आपने मेरा डबल रोल वाला वीडियो देखा, वो गाइज आप देख सकते हो कपड़ा। अब मैं बताता हूँ आगे, गाइज थोड़ी देर इसको रख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हम हैं गांव से, और गाइज अब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, गांव वाले किसी से कम नहीं होता। और गाइज गांव में एक ऐसा ही मतलब कि ऐसा व्यू आता ना, जो गाइज मतलब कि दूर में आप सभी को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप इधर का अगर आप देखोगे नज़ारा पूरे इधर एरिए को, तो आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा बस गाँव के ही ऊपर हर एक वीडियो आता है। तो आप देख सकते हो, और जो अभी आपने पहले इस वीडियो में देखे कि हमारा डबल रोल वाला, वो भाई उसको बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगा है सिर्फ शूट करने में, और एडिट करने में तो और भी टाइम लगेगा। और ऐसे ऐसे और आप सभी को इंटरेस्टिंग क्लिप आप सभी को देता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार नहीं कहूँगा है ना। और चलिए थोड़ा सा और इधर का व्यू देते हैं, उसके बाद आज दिन भर में क्या करूँगा वो भी आप सभी को दिखाऊँगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में, वीडियो को छोड़ना मत सच में। और बाकी गाइज इधर का आप नज़ारा देखोगे ना गाइज, तो ये बहुत ही अलग हट के होता है गांव, जैसे कि आप सभी को पता है। तो चलिए गाइज वहां पे हमारा खेती लगा हुआ है छोटा सा, तो मैं वहां पे आप सभी को ले जा। तो हाँ जी हम आ चुके हैं अपने इस छोटे से यहां पे खेती में। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे खेती लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर गाइज इधर ये गन्ना का यहाँ पे हमने मतलब कि गन्ना सिर्फ एक रोपे थे, उससे आज तक ये उगते जा रहा है और होते जा रहा है। तो बहुत, और इधर देख सकते हो गाइस उधर पूरा बैंगन का खेती इधर। चलिए मैं थोड़ा सा आप सभी को सिनेमैटिक व्यू देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो आप सभी लोग थोड़ा सा वो भी देख लें। तो मैं ना सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, ये सब चार मतलब कि सभी में पेड़ में, ताकि और अच्छे से उग सके और इसको मतलब कि हेल्प मिले बढ़ने में। तो चलिए इसको मैं पानी डालते हैं। तो हमारा पानी आ चुका है गाइस, हमारा पानी।
और गाइज आप सभी लोग सोच रहे हैं कि सूखे खेती में पानी क्यों डाले, तो गाइज इसमें हम एक्चुअली इसमें रोपा गया है साग, आप सभी को बता दें गंधारी साग इसमें रोपा गया है, तो वही इसमें पानी डाल देते हैं हल्का सा ताकि और इसको मतलब कि बढ़ने और मिट्टी से निकलने में हेल्प मिले। और उधर लहसुन का खेती है। और गाइज कैसा लग रहा है इस तरीके से वीडियो, ये फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया हूँ, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना गाइज। और बताना चाहता हूँ ये गाइज आप देख सकते हो ये है प्याज, इसमें हम लोग बोए और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1 मंथ हो रहा होगा इसको रोपने में, तो और इधर बहुत सारे छोटे छोटे बैंगन भी लग चुके हैं कि ये देख सकते हो दिख रहा है गाइज, एक सेकेंड फोकस, ये फोकस हो गया, आप देख सकते हो इधर बैंगन बहुत सारा, अगर आप नीचे से देखोगे ना तो अभी दिखेगा, ऊपर से पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे बैंगन लगा है। और गाइज इसमें कांटा भी होता है, बहुत संभल के तोड़ना पड़ता है इसको, कितने जगह आपके शरीर में हाथ में कहाँ पे छेद होगा ये गारंटी नहीं है। और इधर मिर्ची का खेती ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, हालांकि इसमें मिर्ची जितने भी सारे लगे थे ना वो तोड़ चुका हूँ क्योंकि बहुत पकने लगा था, पक के इस तरीके से रेड कलर का हो जाता है, तो बस